कोविड महामारी के चलते राजस्थान में राज्य सरकार ने रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की शुरुआत कर दी है, जिसमें सख्तियां अब काफी ज्यादा बढ़ा दी गई हैं, क्योंकि कई बार पाबंदियों को बढ़ाया गया, कई बार सख्ती लगाई गई, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो नहीं मानते हैं और अनावश्यक घर से बाहर निकलते हैं, इधर से उधर घूमते हुए नजर आते हैं। जो काम वो अवॉइड कर सकते हैं उसके लिए भी वो घर से बाहर निकल रहे हैं, तो ऐसे में इस तरीके के लोगों पर सख्ती बढ़ा दी गई है, जिसमें ऐसे लोगों को पकड़कर 14 दिन के लिए प्रशासन की ओर से क्वारंटीन भी किया जा रहा है और उनके वाहनों को भी जब्त कर लिया जाता है, ताकि ऐसे लोगों पर फिजूल में बाहर घूमने पर अंकुश लगाया जा सके, क्योंकि संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि प्रशासन नियम लागू करता है, उसकी पालना करवाना किस तरीके से सुनिश्चित कर रहा है प्रशासन, वो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब सख्त हो गया है प्रशासन। कई बार ढिलाई इसीलिए दी जाती है कि जनता सिर्फ जरूरत के काम से ही बाहर निकलेगी, लेकिन जब जनता के कुछ लोग ऐसा करते हैं जो नहीं मानते हैं इन पाबंदियों को, उन पर सख्त दिखाई दे रहा है प्रशासन। और इसी को लेकर बात करेंगे एवन संवाददाता सुनील सत्यवादी से, दौसा से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सुनील, दौसा में क्या कुछ इसका असर देखने को मिला रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े का, किस तरीके की सख्ती दिखाई दी वहां पर, बताएं। जी भारतीय, पिछले दो दिनों से तस्वीर बदली हुई है जी। जहां पहले पूरे दिन भर लोग सड़कों पे दिखाई देते थे, लगता ही ईसाई कुछ कर्फ्यू या लॉकडाउन जैसी स्थिति है या जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है, लेकिन पिछले दो दिनों से तस्वीर बदली हुई है। पुलिस एसपी अनिल बेलीवाल ने खुद ने मोर्चा संभाला हुआ है जी। पहले दो दिन तक उन्होंने फ्लैग मार्च निकाला, दिन में दो दो बार फुल फोर्स के साथ, उसके बाद कल से वो खुद सड़क पे आए हैं बिना किसी लवाजमे के साथ, बिना किसी फोर्स के साथ, और लोगों को खुद ने छापा मार कार्रवाई करते लोगों को पकड़ा है, उन्हें पनिश किया है। भारती, मैं बता दूं आपको, कल दौसा जिले में 50 से अधिक लोगों को पकड़ा है और उनको क्वारंटाइन किया है जो बेवजह घूमते हुए मिले थे। इसके अलावा गलियों में जगह जगह बल्लियां लगाकर, जहां आवाजाही ज्यादा हो रही थी, दुपहिया वाहन चार पहिया वाहन लाख समझाने के बावजूद भी पास नहीं आ रहे थे, उन लोगों को रोकने के लिए बल्लियां लगाई गई है। इसके अलावा जो मुख्य बाजार है जहां पे लोग चोरी छुपे आते हैं और चुपके से सामान देते हैं, उन पर भी रोक लगाने के लिए गाड़ियां लगाई गई है, स्पॉट लगाए गए हैं और पुलिस फुल मूड में है। और दूसरा एसपी अनिल मेलीवाल ने पूरी कमान संभाली हुई है और खुद बड़ी सख्त निगाह रख रहे हैं। जी भारती जी, और इसके अलावा ये बताएं कि क्वारंटीन सेंटर में जब इनको ले जाया जाता है प्रशासन की ओर से, तो 14 दिन तक वहीं रखा जाता है क्या, और क्या इनका टेस्ट भी कराया जाता है? जी भारती, मैं बताना चाहूंगा, इनका पहले आरटीपीसीआर टेस्ट होता है और जब तक रिपोर्ट इनकी नेगेटिव नहीं आती जब तक इनको रखा जाता है। अभी इनका टेस्ट हुआ, कल टेस्ट हुआ था, आज टेस्ट हुआ है, इनकी रिपोर्ट संभवतः कल तक आ जाएगी, उसके बाद ही तय होगा कि ये लोग कितने दिन तक क्वारंटाइन में रहेंगे। जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी संभवतः उनको छोड़ दिया जाएगा, और जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी उनको 14 दिन तक क्वारंटाइन में रखा जाएगा। इसके अलावा पुलिस बार बार मुनादी भी करवा रही है, माइक पे, ऑटो पे लोगों को समझाने की प्रयास कर रही है। जो समाज सेवी संस्थाएं हैं उनसे भी आग्रह करेंगे, वो लोग भी आए, और एसपी अनिल बेलीवाल बार बार अपील कर रहे हैं, अपने स्टाफ को भी, पब्लिक को भी संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं। इसके अलावा एक नई चीज हो रहा है दोस्तों में भारतीय, यहाँ शादियां टालने के लिए अलग से अपील की जा रही है। पुलिस एसपी बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि भगवान के लिए जो शादियां आप लोगों ने आयोजित कर रखी है उसे इस पीरियड के लिए टाल दीजिए, कुछ समय के लिए टाल दीजिए, ताकि आप भी उसको एंजॉय कर सकें और सेफ रह सकें। जी भारती जी, सुनील, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता सुनील सत्यवादी, दौसा से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने विस्तार से हमें बताया कि दौसा में किस तरीके से इन पाबंदियों को सुनिश्चित किया जा रहा है। जन अनुशासन, रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा जो नाम दिया गया है, इस बार सख्तियों को बढ़ाते हुए किस तरीके से इनकी पालना सुनिश्चित की जा रही है। फिजूल में जो ये बाहर निकलते हैं लोग, उन्हें पकड़कर 14 दिन तक क्वारंटीन किया जा रहा है। लोगों को अब समझना होगा कि स्थिति कितनी भयावह है।
एवन संवाददाता मनीष राठौड़ पाली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मनीष, विस्तार से जानकारी दें, पाली में क्या कुछ चल रहा है और किस तरीके से इन पाबंदियों की पालना सुनिश्चित की जा रही है? भारती, बता देना चाहूंगा कि कोरोना को लेकर रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के आज तीसरे दिन बुधवार को भी पुलिस खासी सख्त दिखी। पुलिस ने शहर व शहर के आसपास क्षेत्रों के बेवजह घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 160 जनों को पकड़कर क्वारंटाइन सेंटर में भेजा है। अब इनकी कोरोना जांच की जाएगी, जिनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आएगी उन्हें छोड़ा जाएगा, तब तक इन लोगों को सेंटर भी रहना होगा। पुलिस की ये सख्ती आगामी दिनों में भी रहेगी जारी। जी मनीष, इसका असर दिख रहा है क्या सड़कों पर? लोगों में डर का माहौल अभी भी पैदा हुआ कि नहीं हुआ है? जी बिल्कुल भारती, इनमें लोगों को डर भी दिख रहा है, वही दुकानदार भी समय पर दुकान बंद करके घर पे जा रहे हैं। जैसे जैसे पुलिस सख्ती दिखा रही है वैसे लोग डर के लेकर घर पे भी समय पर जा रहे हैं। जी मनीष, इसके अलावा हमें ये भी बताएं कि बाजारों में क्या कोई अनावश्यक अपनी दुकानें भी खोल रहा है क्या, जिसे परमिशन नहीं है वो भी? भारती, बता देना चाहूंगा कि 3-4 दिन पहले ऐसे दुकानदारों की शिकायत मिलने पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए दुकानें भी सीज की। वहीं नगर परिषद आयुक्त ब्रजेश राय व पाली तहसीलदार पंकज जैन की अगुवाई में कर्मचारियों ने शहर के सुरेश्वर क्षेत्र में निश्चित समय के बाद भी दुकानें खुले मिलने पर 4 दुकान संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुकानें सीज करने की कार्रवाई की। एवं शहर यातायात प्रभारी निर्मा विश्नोई ने भी सुरेश्वर पर बेवजह घूमने वाले वाहन चालकों पर रुकवा कर उनके चालान भी काटे गए। जी, और इसके अलावा कुछ ही दिन पहले जो मुख्यमंत्री की ओर से ट्वीट किया गया था कि शादियों को अनावश्यक रूप से आप ज्यादा लोगों को ना इनवाइट करें, 31 से ज्यादा लोग नहीं होंगे, तो ऐसे में वहां पर पाली में क्या स्थिति है? भारती, इसको लेकर मैं बता दूं कि वैश्विक महामारी रोग COVID-19 की दूसरी लहर के दौरान उपजे विकट हालात के चलते जिला कलेक्टर अंतिम के निर्देश पर पाली उपखंड क्षेत्र में विवाह समारोह एवं प्रतिभोज कार्यक्रम को निरस्त करने व आगे बढ़ाने पर उपखंड प्रशासन द्वारा आयोजकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इस तरह की एक प्रशासन द्वारा पहल शुरू की गई है। जी 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 मनीष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एक अच्छी पहल हो सकता है साबित हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इन समारोह को टाल दिया जाता है तो संक्रमण के खतरे से बचा जा सकता है। हालांकि 31 लोगों की परमिशन अभी राज्य सरकार की ओर से है कि 31 लोगों के बीच में शादी समारोह किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर टाला जा सके तो टालना बेहद। और झुंझुनू से बात करेंगे सुजीत से, एवन संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे फोन लाइन पर। सुजीत बताएं। जी भाटी, बिल्कुल आपको बता दूं कि झुंझुनू नहीं है बल्कि पूरे राजस्थान के अंदर जो जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है उसी को लेकर जो रेड अलर्ट जारी किया उसको लेकर काफी सख्ताई है बरती जा रही है। अपनी बात करें झुंझुनू जिले की, तो झुंझुनू जिले के अंदर कल सूरजगढ़ और पिलानी के अंदर जो बेवजह लोग घूम रहे थे घरों से बाहर, उन्हें पुलिस ने पकड़ा है। और आपको बता दूं कि करीब 10 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया और उसके बाद उनको क्वारंटाइन भेज दिया गया। और जब तक उनकी जो कोरोना रिपोर्ट है वो नेगेटिव नहीं आ जाती वो क्वारंटाइन सेंटर ही रहेंगे। और आपको बता दूं साथ ही साथ जो पिलानी के समीप श्रीधर यूनिवर्सिटी वहां पे भी क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया और उसी की जगह उन लोगों को रखा गया। जी सुजीत, इसके अलावा हमें ये बताएं कि क्या झुंझुनू वासियों तक ये मैसेज पहुंच रहा है क्या कि बिना वजह अगर बाहर निकले तो हमें 14 दिन के लिए पकड़कर बंद कर दिया जाएगा? जी भारती, बिल्कुल झुंझुनू ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के लोगों के पास भी ये मैसेज पहुंच रहा है कि बिना वजह घूमने पर उन्हें पकड़कर क्वारंटाइन कर दिया जाएगा और करीब 3 दिन तक उन्हें क्वारंटाइन रहना पड़ेगा जब तक उनकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती। अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो काफी तक उन्हें क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। और अपन बात करें झुंझुनू जिले की, तो झुंझुनू जिले में ये सख्ताई है जो कल से चालू हो चुकी है। और आपको बता दूं कि पिलानी और सूरजगढ़ के अंदर इसकी सख्ताई की गई है और करीब 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जी भारती। जी सुजीत, एक या दो दिन पहले आपने झुंझुनू से ये खबर भी हमें दी थी कि शादी समारोह में जो कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं हो रहा है, 31 से ज्यादा लोग भी हैं, तो ऐसे लोगों पर अब किस तरीके की कार्रवाई होगी? जी भारती, बिल्कुल आपको बता दूं कि ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की सख्ताई की जा रही है और झुंझुनू बल्कि पूरे राजस्थान के अंदर ये आदेश निकाले गए हैं कि शादी समारोह के अंदर जो 31 लोग शामिल होंगे उनकी सभी की जो सूची है वो SDM को देनी पड़ेगी। और आपको बता दूं कि उसी के साथ जो कल है वो एक लगन टीके का कार्यक्रम चल रहा था, उसमें 31 से ज्यादा लोग थे और उसमें करीब 100 लोग से अधिक मौजूद थे। वहां पर प्रशासन ने 35,000 रुपए का चालान काटा है और वहां पे जो मौजूदा भीड़ थी उन्हें रफा दफा किया गया। जी भारती। जी सुजीत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता सुजीत शर्मा।
झुंझुनू से हमारे साथ जुड़े हुए थे। रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े को लेकर जो सख्तियां लागू की गई हैं उसकी अपडेट समय देने के लिए। कोटा ब्यूरो चीफ प्रणय विजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, कोटा का हाल बताएंगे, इन सख्तियों को किस तरीके से लागू किया जा रहा है वहां पर। जी प्रणय बताएं। मैम ये कोटा में पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों को रोकने के लिए, कोरोना की रोकथाम के लिए लगातार सख्ती की जा रही है। शहर में बेवजह घूमते लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। ये आज दूसरा दिन है जिसमें लगातार यहाँ पे सोफिया स्कूल है बल्लभबाड़ी में, जहाँ पर एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है जिसमें लोगों को अंदर रखा जा रहा है और उनकी नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही उनको छोड़ा जा रहा है। कल भी 144 लोगों को और पहले दिन करीब 60 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है और तमाम कोशिशें जारी हैं शहर में कि कोरोना फैले नहीं और लोग बेवजह नहीं घूमें। जी और प्रणय, इन सख्तियों का असर अब जनता में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्या उनको समझ आ रहा है क्या कि हम अगर बिना वजह बाहर निकले। जी इन सख्तियों का असर नजर तो आ रहा है लेकिन उसके बावजूद भी लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। मतलब पुलिस जहाँ पे मेन रोड पे तैनात है उनको मालूम है मेन रोड पे पुलिस पकड़ लेगी तो गलियों का सहारा लेके गलियों से बाईपास लोग हो रहे हैं। लोगों को थोड़ा कम समझ में आ रहा है लेकिन एक डर है कि अगर पुलिस ने के हाथ हम आ गए तो या तो चालान बनेगा या हमें क्वारंटाइन सेंटर में जाना पड़ेगा, उसका भय लगातार बना हुआ है, थोड़ा सा असर दिख रहा है उसका। जी प्रणय, लेकिन ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि केवल पुलिस से बचने के लिए लोग इधर उधर से गलियों से होकर निकल जाते हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी जान भी तो जोखिम में है, प्रशासन उन्हीं की जान को बचाने के लिए तो इतनी सख्ती कर रहा है। मैम लगातार इतने दिनों से कोरोना इतना बुरी तरीके से है, ऑक्सीजन नहीं है अस्पतालों में, भर्ती नहीं किया जा रहा है, उसके बावजूद लोग बेपरवाह हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है पुलिस प्रशासन करे तो करे क्या और जो कोटा का एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी क्या करे। एक्चुअली में जनता को ही समझना होगा, जनता कम समझ रही है। लोग अभी जो संजीदा लोग हैं वो तो समझ के घरों में हैं लेकिन जो युवा वर्ग है करीब 18 20 22 साल के जो लड़के हैं वो लगातार गलियों में चक्कर काटते हैं और मतलब अक्सर आप देख सकते हैं इवन तेज मोटरसाइकिल चलाना, पुलिस को देखते ही मास्क लगाना, मास्क भी प्रॉपर तरीके से नहीं लगा रहे हैं और कम लगा रहे हैं। जी जी प्रणय, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे ब्यूरो चीफ प्रणय विजय हमारे साथ जुड़े हुए थे कोटा से, जिन्होंने वहां का हाल बताया कि बावजूद प्रशासन की सख्ती के लोग कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं और बचते बचाते जहां जाना है वहां जाते ही हैं। ये कहीं ना कहीं अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कितनी भयावह ये स्थिति है और इससे बचना, इस संक्रमण की चेन को तोड़ना कितना जरूरी है। सिरोही से एवन संवाददाता लियाकत अली हमारे साथ फोन लाइन पर। जी लियाकत, विस्तार से वहां का हाल बताएं। तो बिल्कुल, भारतीय महामारी रेड अलर्ट अनुशासन पखवाड़े को लेकर सिरोही जिला प्रशासन पुलिस विभाग पूरी तरीके से मुस्तैदी से अलर्ट नजर आ रहा है। पिछले दो दिनों में करीब यहां पर समय के बाद बाहर घूमने वाले जो मनचले थे या जो कोरोना की गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे थे, करीब 100 से ज्यादा लोगों को पकड़कर पुलिस ने कोविड-19 जांच करवाकर उनको क्वारंटीन सेंटर भेजा है। साथ ही पुलिस द्वारा समय समय पर आम जन को घरों में रहने के लिए अपील भी की जा रही है और सख्त तौर पर पाबंद भी किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना की चेन को अगर तोड़ना है तो लोगों को कहीं ना कहीं घरों में रहना पड़ेगा और घरों में रोकना पड़ेगा। जी भारती। जी लियाकत, इसके अलावा हमें ये इस बात की भी अपडेट दें कि क्या वहां पर जो शादी समारोह हो रहे हैं उनमें जो गाइडलाइंस की पालना को किस तरीके से सुनिश्चित किया जा रहा है। जी बिल्कुल, जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने सख्त तौर पर अधिकारियों को पाबंद किया है कि जो भी शादी समारोह आयोजित हो रहे हैं उनमें अनुमत संख्या से ज्यादा के लोग शरीक न हो। कल देर रात्रि सिंगंज तहसील के पोसालिया गांव में भी एक शादी समारोह में सिंगंज प्रशासन ने कार्रवाई की है, जहाँ पर परिवार के ऊपर 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही पिछले दो दिनों में सिरोही तहसीलदार नीरज कुमारी में भी 5-6 शादियों पर कार्रवाई करते हुए उन परिवारों पर भी जुर्माना लगाया। साथ ही प्रशासन द्वारा फिलहाल जो आगे की आने वाली शादियां उनको लेकर टालने के लिए भी अपीलें की जा रही है और अगर टालते नहीं है तो जिस प्रकार कोरोना गाइडलाइन है उसके तहत शादी करने के लिए पाबंद किया जा रहा है। जी लियाकत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता लियाकत अली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे सिरोही से।
तो लगातार हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं अलग अलग जिलों से, अलग अलग जगह से, जहां पर हमारे संवाददाता ये बता रहे हैं कि किस तरीके से सख्ती से पालना करवाने की पुरजोर कोशिश प्रशासन की ओर से की जा रही है। लेकिन उतना ही अगर सहयोग जनता का मिल जाए तो बहुत आसानी हो सकती है प्रशासन को इन गाइडलाइंस की पालना सुनिश्चित करने में। लेकिन कहीं ना कहीं जो सहयोग की उम्मीद प्रशासन कर रहा है जनता से, उतना सहयोग नहीं मिल पा रहा है। श्रीगंगानगर से एवन संवाददाता अरिहंत जैन फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीगंगानगर में क्या कुछ चल रहा है अरिहंत, ये हमें विस्तार से बताएं, किस तरीके से प्रशासन सख्ती से इनकी पालना करवा रहा है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि श्रीगंगानगर में रेड अलर्ट जन सबसे पकड़ा जब से लगाया गया है तब से लेकर श्री गंगानगर का जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार अलर्ट है और लगातार है, जो कार्रवाई भी कर रहा है। इसके अलावा जो आवारा घूम रहे हैं उनको पकड़ने के बाद क्वारंटाइन भी है यहाँ पर किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि लगातार केसेज में भी थोड़ी कहीं ना कहीं गंगानगर में कमी देखने को मिली है। परसों की अगर बात की जाए तो परसों 10 केसेज मात्र आए हैं और कल की डेट में 180 केसेज आए हैं। लगातार है जो पुलिस प्रशासन एसपी के आदेश भी है कि अगर कोई भी वाहन लेकर भी घूम रहा है तो उसको भी पकड़कर क्वारंटाइन किया जाए। लगातार है जो अच्छी कार्रवाई श्रीगंगानगर में फिलहाल कही जा सकती है पुलिस प्रशासन की। जी अरिहंत, इसके अलावा हमें ये बताएं कि ऐसे लोगों पर किस तरीके की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल तो पुलिस प्रशासन के द्वारा चालान काटने की कार्रवाई है जो लगातार की जा रही है। इसके अलावा क्वारंटाइन किया जा रहा है। क्वारंटाइन करने के बाद यहाँ से साधु वाली के अंदर नशा मुक्ति केंद्र है वहां पे इनको ले जाया जा रहा है और वहां पे इनके सैंपलिंग की जा रही है। सैंपल अगर पॉजिटिव आता है तो उनको 15 दिन के लिए वहीं क्वारंटाइन किया जा रहा है। जी अरिहंत, और ये भी बताएं कि जनता कितनी जागरूक दिखाई दे रही है श्रीगंगानगर में। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अगर पहले की बात की जाए तो पहले जनता जागरूक नहीं थी, लेकिन अब खुद लोग हैं जो खुद जागरूक होना शुरू हो गए और खुद घरों में भी रहना शुरू कर दिया। यानी कि पहले की बदौलत अगर अब देखा जाए, जन रेड अलर्ट अनुशासन पखवाड़े के अंदर देखा जाए तो पुलिस प्रशासन के सहयोग भी मिल रहा है और आमजन है जो लगातार सहयोग भी कर रहा है पुलिस प्रशासन का और घरों में रह भी रहा है। कुछ आवारा जो घूम रहे हैं उनको पुलिस प्रशासन के द्वारा पकड़कर और क्वारंटाइन किया जा रहा है। जी जी अरिहंत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता आर्यन जैन, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे श्रीगंगानगर से, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जनता वहां पर थोड़ी जागरूक दिखाई दे रही है, घरों में रहती है, बिना वजह घर से बाहर नहीं निकल रही है। और अब हाल जानेंगे अलवर का। एवन संवाददाता चंद्रशेखर शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। चंद्रशेखर, अलवर में जिस तरीके से स्थिति लगातार विकट होती जा रही है, ऐसे में प्रशासन किस तरीके से सख्ती दिखा रहा है, बताएं। भारती, बताना चाहूंगा कि रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है और 17 मई तक यह पखवाड़ा चलेगा, जिसके तहत प्रशासन ने कुछ सख्तियां भी की गई है। जो बेवजह सड़कों पर घूमते हैं और उनको विरुद्ध कार्रवाई लगातार प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से की जा रही है, और जो घूमने वाले लोग हैं उनको पकड़कर क्वारंटाइन किया जा रहा है, उनकी टेस्ट किया जा रहा है, और जब तक उनको एक सरकारी बिल्डिंग में रखा जा रहा है तब तक उनके कोरोना टेस्ट नहीं आ जाती। इसके अलावा लगातार चालान और गाड़ियों की जब्ती की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। साथ ही प्रशासन द्वारा प्रतिदिन अलवर में फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है, जिससे एक संदेश दिया जा रहा है कि बेवजह न घूमे और जो सरकार द्वारा कोरोना गाइडलाइन दी गई है उसका पालन किया जाए, जिससे जो कोरोना की बढ़ रही चेन है उसको रोका जा सके। भारती जी, चंद्रशेखर, जिस सहयोग की उम्मीद राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन जनता से कर रहे हैं कि जनता बिना वजह घर से बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, इसके साथ ही तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन करे, उतना सहयोग जनता की ओर से नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि काफी मशक्कत देखने को मिल रही है प्रशासन की हमें जनता की ओर से पालन करवाने के लिए। बिल्कुल भारती, सही है कि जितना प्रशासन की तरफ से सख्ती की जा रही है उतनी ही लापरवाही पब्लिक की तरफ से दिखाई दे जा रही है, चाहे कारण आर्थिक व्यवस्था का हो या फिर धंधे का हो, लेकिन इस समय बीमारी का जो दौर चल रहा है उससे केवल कोरोना गाइडलाइन और जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार ही बचा जा सकता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि जो अलवर में जो पब्लिक की लापरवाही है उसके कारण दिनों दिन केस बढ़ते जा रहे हैं और प्रशासन लाख सख्ती कर रही है, उसके बावजूद भी जो केसों की संख्या है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिससे साफ जाहिर है कि जो पब्लिक का जितना सहयोग मिलना चाहिए प्रशासन को उतना नहीं मिल पा रहा है। जी जी, और चंद्रशेखर, बीते 2 से 3 दिन से जो ये सख्तियां बढ़ा दी गई है रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत, उसके बाद क्या थोड़ा बहुत जनता में डर दिखाई दे रहा है, अलर्ट दिखाई दे रही है जनता की? नहीं,
रेड अलर्ट के बाद जरूर प्रशासन की तरफ से सख्ती की गई है, लेकिन जो कार्रवाई है, सीज करने की कार्रवाई, चालान करने की कार्रवाई कहें या फिर यहाँ तक की गिरफ्तारी की कार्रवाई भी पुलिस की तरफ से यहाँ पर की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अनुशासन की बात है, जिस तरह का सीखना चाहिए कि जिस तरह की बीमारी भयावह रूप लेती जा रही है और इसका कोई समाधान नहीं निकलता दिख रहा है, उसके बावजूद जो जागरूकता का अभाव है वो कहीं ना कहीं शहर में तो फिर भी थोड़ा प्रभाव दिखने लगा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्कुल भी कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं की जा रही है, ना तो मास्क का प्रयोग किया जा रहा है, ना सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है। इसके अलावा बताना चाहूंगा भारती, क्योंकि इस समय क्या है, वैवाहिक कार्यक्रमों का भी दौर है, सावे भी चल रहे हैं, इसके कारण भी कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो सामने आ रही है। जी चंद्रशेखर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे A1 संवाददाता चंद्रशेखर शर्मा, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए थे अलवर से, जिन्होंने विस्तार से हमें बताया कि वहां पर किस तरीके से लोग अभी भी कहीं ना कहीं लापरवाह नजर आ रहे हैं। प्रशासन की सख्ती बराबर दिखाई दे रही है, मुस्तैदी दिखाई दे रही है, फ्लैग मार्च भी हो रहे हैं, कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन जनता कहीं ना कहीं थोड़ी लापरवाह जरूर दिखाई दे रही है। टॉक से A1 संवाददाता फिरोज उस्मानी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी फिरोज, विस्तार से वहां का हाल बताएं। जी बताना चाहूंगा कि टॉक व कर्फ्यू की पालना कराने के लिए पुलिस जो है पूरी मुस्तैदी से अपना काम कर रही है। टॉक जिला पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश के निर्देशों पर ये कार्रवाई की जा रही है। ये जो बेवजह जो घरों से बाहर निकल रहे हैं उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिछले 2 दिन में 500 लोगों को पकड़कर क्वारंटाइन किया गया है, जो सड़कों पर बेवजह किसी न किसी बहाने से निकल कर आए थे, और कई वाहनों को भी जब्त किया गया और जुर्माना राशि भी वसूली जा रही है। वहीं दूसरी ओर टोंक SP ओम प्रकाश ने बताया कि सुबह 11 बजे से पूर्ण रूप से कर्फ्यू जारी कर दिया जाता है, इसके बाद भी कोई अकारण घर से बाहर निकलता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। लोगों को घरों में रहने के लिए ये कदम उठाया गया है, जिसके चलते अब लोगों की समझ में आ गया है कि इस टोंक में अब जो बेवजह घरों से बाहर निकल रहे थे पुलिस की सख्ती के बाद, अब वो लोग दिखाई ही नहीं देने लगे हैं। सड़कों पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं दूसरी ओर बताना चाहूंगा कि टोंक जिले में लगातार कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, मगर इसके बावजूद भी टोंक में रिकवर होने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। मंगलवार को रिकवर जो हुए थे मरीज, उनकी संख्या 252 थी। पिछले 5 दिनों में 1003 मरीज रिकवर हुए हैं, जबकि 837 कोरोना पॉजिटिव ही हैं पिछले 5 दिनों में जो मिले थे। कोरोना पॉजिटिव के 837 केस मिले थे। और जो जिलेवासियों की राहत की बात यह है कि लगातार होम आइसोलेशन में रहते हुए कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो टोंक में कहीं ना कहीं ये एक अच्छे संकेत है कि लगातार जो कोरोना के जो मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर रिकवर होने की भी संख्या लगातार बढ़ रही है अभी। जी जी फिरोज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे A1 संवाददाता फिरोज, हमारे साथ फोन लाइन पर थे टॉक से। A1 संवाददाता अशोक शेरा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं बाड़मेर से। अशोक, विस्तार से जानकारी दें, बाड़मेर में क्या कुछ चल रहा है रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत? देखिए भारती, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा जब से शुरू हुआ है, उसके बाद से जो बेवजह लोग सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस की जो सख्ती है वो निश्चित रूप से अब देखने को मिल रही है। लगातार बाड़मेर पुलिस द्वारा जो बेवजह लोग 12 बजे के बाद सड़कों पर घूम रहे हैं उन्हें संस्थागत क्वारंटाइन किया जा रहा है। अगर पिछले 2 दिनों की बात करें तो करीब 67 लोगों को अब तक बाड़मेर पुलिस ने संस्थागत क्वारंटाइन कर दिया है। इसके अलावा लगातार लोगों से ये समझाइश भी की जा रही है, ये अपील भी की जा रही है कि अभी जो हालात कोरोना के बन रहे हैं ऐसे में लोग बेवजह घरों से बाहर नहीं निकले और कोरोना गाइडलाइन की पूरी पालना करें। साथ ही पुलिस द्वारा लगातार विभिन्न क्षेत्रों पर पुलिस के बल तैनात करके, पुलिस वहां जाप्ता तैनात करके MVF के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा चालान भी लोगों के काटे जा रहे हैं और लगातार समझाइश की जा रही है, उसके बावजूद भी कुछ लोग अभी भी लापरवाही बरते नजर आ रहे हैं और कई लोग बेवजह की जो बहाने बना करके हॉस्पिटल का कोई बहाना बना लेता है या फिर किसी जरूरी सामान को लेने के लिए जाने का बहाना बना करके लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो लोगों की लापरवाही है ये निश्चित रूप से आने वाले दिनों में एक चिंताजनक स्थिति पैदा कर सकते हैं। जी अशोक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे A1 संवाददाता अशोक शेरा,
बाड़मेर से हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर पर अपडेट के लिए। एवन संवाददाता किशोर सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं बीकानेर से। जी किशोर बताएं। जी भारती, बिल्कुल आपने सही कहा, रेड अलर्ट जारी करने के बाद से बेवजह घरों से बाहर घूमने वालों के ऊपर पुलिस सख्ती बरत रही है। और कल दिन में पुलिस ने सख्ती बरते हुए कोर्ट गेट और कोतवाली पुलिस ने 19 लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में भेजा है, जिनकी आरटीपीसीआर जांच करवाई जा रही है। वो आरटीपीसीआर जांच नेगेटिव आई तो उनको घर भेजा जाएगा, नहीं तो उनको क्वारंटाइन सेंटर में रहना पड़ेगा। इस प्रकार पुलिस की सख्ती लगातार बढ़ती जा रही है और शहर के अंदर बेवजह जो भी लोग बिना कारण से घरों से बाहर घूम रहे हैं, वो चाहे मोटरसाइकिल पे हो चाहे चार पहिया वाहनों पे हो, उन लोगों को सबको क्वारंटाइन करने के आदेश दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ लोगों को समझाइश करके होम क्वारंटाइन भी कार्रवाई की जा रही है और कईयों के साथ जुर्माने के चालान जुर्माने भी भरे जा रहे हैं, चालान राशि भी काटी जा रही है। और कई दुकानदार हैं जो भी नियमों की पालना नहीं कर रहे उनके साथ भी नगर निगम प्रशासन भी लगातार कार्रवाई कर रहा है और उनके जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। इस प्रकार कुल मिला के कहा जा सकता है कि अब रेड अलर्ट घोषित होने के बाद घरों से बेवजह निकलना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वो अगर बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं तो कोरोना की चेन नहीं टूट पाएगी और कोरोना के केस लगातार बढ़ते रहेंगे। इसलिए प्रशासन को भी अब सख्ती बरतने की आवश्यकता है और इसी को लेकर प्रशासन सख्ती बरत रहा है और जो भी घरों से बाहर जहां कहीं भी दिख रहे हैं उनको क्वारंटाइन सेंटर में डाला जा रहा है। कई बहुत सारे केस में ऐसे लड़के युवा भी घरों से बाहर नजर आ रहे हैं जो बिना किसी उचित कारणों के घरों से बाहर घूमे। हालांकि जरूरी सेवाओं को इस रेड अलर्ट क्षेत्र में भी छूट दी गई है, जैसे मान लो बैंक कर्मचारी है, हॉस्पिटल के कार्मिक है या किसी जरूरी सेवाओं के कार्मिक है, वो अपना आई कार्ड दिखा के अपने कार्य के गंतव्य के लिए जा सकते हैं, कोरोना नियमों को फॉलो न करते हुए वो आ जा सकते हैं, लेकिन बिना वजह कोई घर से बाहर नहीं निकले। जी 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 किशोर, ये तो आपने बता दिया कि प्रशासन की ओर से किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। अब हमें आप ये बताएं कि रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े में जो पाबंदियां और सख्ती बढ़ाई गई है उसमें और उससे पहले जो सख्तियां थी, क्या उसके बाद सड़कों पर इसका असर नजर आ रहा है? सख्ती के बाद क्या जनता को समझ में आया है कि किस तरीके की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है अगर बाहर निकल बिना वजह बाहर निकले तो? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, जनता को भी इसका असर नजर आ रहा है। बेवजह जो बाहर निकल रहे थे, पहले उनको समझाइश करके छोड़ दिया जा रहा था, जब तक रेड अलर्ट कपड़ा घोषित नहीं था तब तक केवल समझाइश की जा रही थी, लेकिन अब रेड अलर्ट के बाद से उनको क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जा रहा है और वहां पे उनके आरटीपीसीआर जांच करवाई जा रही है। और कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई होने के बाद आज जैसे बीकानेर की स्थिति में बताऊं तो 12 बजे के बाद कोई इक्का दुक्का जिनका कोई जरूरी काम है वही लोग सड़कों में नजर आ रहे हैं, उसके अलावा कोई भी सड़कों में नजर नहीं आ रहे। सड़क पूर्णतः खाली है और केवल पुलिस के जवान है वही गश्ती करते हुए नजर आ रहे हैं सड़कों के ऊपर। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अब जनता भी भय के अलावा मानने वाली नहीं है, क्योंकि वे बाजार में जब तक छूट रहती है तब तक वो न तो मास्क का प्रयोग करते हैं न सोशल डिस्टेंस का प्रयोग करते हैं, बहुत सारी जगह ऐसे देखने में आ रहे हैं और इस वजह से ही ये लगातार कोरोना के केस है वो बढ़ रहे हैं, कोरोना की चेन नहीं टूट रही। पिछली बार जरूर कोरोना को कंट्रोल कर लिया गया था, इस बार लोग समझ नहीं रहे, इस वजह से नहीं हो रहा और गाँव में भी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, इसलिए इस प्रकार की पाबंदियां गाँव में भी की जानी चाहिए। और अभी सावों का जो मौसम है, अबूझ सावे हैं, जैसे अभी 7 तारीख को है और 14 तारीख को आपका तीज का जो सबसे बड़ा सावा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी लोगों से निवेदन किया था कि जहां तक संभव हो शादियों को अभी टाल दें, बाद में कर लें, लेकिन शादियों का मौसम है, लोग शादियां भी कर रहे हैं और वो समझ नहीं रहे, इसी वजह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। लेकिन शादियों में भी कई जगह बीकानेर नगर निगम और प्रशासन ने शादियों में भी चालान काटे हैं, जिनके घरों में ज्यादा लोग आए हैं उनके भी चालान काटे हैं और अब रेड अलर्ट में तो और ज्यादा सख्ती बढ़ते हुए और ज्यादा चालान काटने की को काटे जा रहे हैं और क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जा रहा है। क्वारंटाइन सेंटर का लोगों में भय है, इस वजह से लोग अब घरों से बाहर कम निकल रहे हैं। जी ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि कम से कम अब तो लोगों को समझ में आ रहा है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद किशोर। तो हमने जाना कि किस तरीके से प्रशासन की सख्ती के बाद में कुछ असर दिखाई दे रहा है, जनता को समझ में आने लगा है कि बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है, कोरोना का खतरा तो है ही है, साथ ही साथ प्रशासन का डंडा भी पड़ सकता है किसी भी वक्त। अजमेर से बात करेंगे एवन संवाददाता नितिन मेहरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, वहां का हाल बताने के लिए। नितिन, अजमेर में भी लगातार संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, जो सख्तियां अब बढ़ाई गई हैं रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत, उसको लेकर क्या कुछ देखने को मिल रहा है अजमेर में, बताएं। जी बाकी जैसे 12 बजे 11 बजे टाइम दिया हुआ, उससे बाद में तो कोई भी आवाज
12 बजे बाद में कोई भी आता तो शहर में कहीं घूमता है तो उनसे निश्चित तौर पर उनसे डेडिट किया जाता है, उसके बाद में उनको टॉल सेंटर भेजा जाता है। इन टॉल सेंटर आरटी हॉस्टल में बनाया गया है उसमें भी उनका टेस्ट किया जाता है, तो ना पॉजिटिव है उसमें भी है ना, तो सामने ऐसे केस सामने आया जिसमें भी कल की बात करो कल से आज से तो 8 से 10 मामले उनके सामने आए पॉजिटिव है। जी बात कीजिए कि इस कार्रवाई का कितना असर दिखाई दे रहा है सड़कों पर, क्या जनता को समझ में आ रहा है कि बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है? जी बात जी, जैसे जैसे आप अगर रोड पर आप देख सकते हैं अभी फिलहाल सुनसान एरिया है, फालतू तो नहीं उनकी डेडी की जाती है तो फालतू नहीं रुमरा है उनका, तो रीजन होता है जब भी वो बाहर जाए अन्यथा बाहर ना जाए, पुलिस बराबर सख्ती से प्रयोग की जा रही है और नहीं तो अब तो है ना मोहल्ले और गलियों में भी उनका सख्त अभियान चला जा रहा है। अरे वो तो बाहर घर से बाहर भी बैठे हुए मोहल्ले में नहीं घूमते हैं उनको भी डेटी करते हैं उनको भेजा जा रहा है। जी नितिन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता नितिन हमारे साथ फोन लाइन पर थे अजमेर से, जिन्होंने वहां का हाल हमें बताया और बताया कि किस तरीके से प्रशासन सख्त है और असर कहीं ना कहीं अब सड़कों पर दिखाई दे रहा है। बेवजह घूमने वालों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन सख्ती बरत रहा है उससे ये दिखाई दे रहा है कि अब जनता में डर का माहौल कहीं ना कहीं, और क्योंकि तस्वीरों को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से प्रशासन की सख्ती रंग ला रही है इस चेन को तोड़ने में। अब बात करेंगे कमलेश शर्मा से, एवन संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं बूंदी से। जी कमलेश, विस्तार से जानकारी दें बूंदी की। जी आरती, बूंदी में 3 मई से जो रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा जारी किया गया है उसको और सख्ती से लागू कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन निरंतर सड़कों पर बेवजह घूमने वालों पर निगरानी रखते हुए उन्हें संस्थागत क्वारंटाइन कर रही है और ये कोशिश कर रही है कि लोग कम से कम घरों से निकले, घरों पर रहने के लिए लोगों से समझाइश की जा रही है। इसके लिए रोजाना मार्च पास्ट किया जा रहा है, पैदल मार्च पास्ट किया जा रहा है जिसमें जिलाधिकारी कलेक्टर SP सभी शामिल है। जी कमलेश, इसके अलावा अगर बात की जाए कार्रवाई की तो जो बेवजह घर से बाहर निकले हुए पकड़े जाते हैं उन पर किस तरह की कार्रवाई हो रही है बूंदी में? जी भारती, बूंदी में पूरे जिले में अभी तक जो पुलिस प्रशासन द्वारा बेवजह घूमने वालों पर अभी तक 115 जनों को संस्थागत क्वारंटाइन किया गया है, उन्हें 14 दिन तक क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है जब तक की उनकी RT-PCR रिपोर्ट नहीं आ जाती। जी, और इसके अलावा अगर बात की जाए तो क्या जनता में अब डर दिखाई दे रहा है, क्या जनता जागरूक होती हुई दिख रही है? क्या प्रशासन की सख्ती के बाद अब जनता बिल्कुल जागरूक होती हुई दिख रही है, लोग कम से कम घरों से निकल रहे हैं क्योंकि निकलने जो बेवजह घूमने वालों पर जब से पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाना शुरू किया है तब से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। जी कमलेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता कमलेश शर्मा, फोन लाइन पर जुड़े हुए थे हमारे साथ इस खबर पर अपडेट के लिए, जो उन्होंने विस्तार से हमें बताया कि बूंदी में किस तरह की कार्रवाई की जा रही है। तो पूरे राजस्थान भर से अलग अलग जिलों से ढाणियों से हमने आपको विस्तार से हमारे संवाददाताओं से बात करके समझाने की ये कोशिश की है कि मत निकलिए घर से बाहर, कोरोना का खतरा तो है ही प्रशासन का भी खतरा उतना ही है, कभी भी आपको पकड़ के क्वारंटीन कर सकती है प्रशासन क्योंकि ये आप ही की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, आपका स्वास्थ्य ना बिगड़े इसलिए किया जा रहा है, इस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। केवल प्रशासन की सख्ती ही नहीं आपकी जागरूकता भी उतनी ही अहम है। अगर हम सब ने मिलकर सरकार का प्रशासन का उतना ही सहयोग कर दिया जितनी सख्ती प्रशासन बरत रहा है तो यकीन मानिए इस चेन को हम जल्द तोड़ पाएंगे। यही अपील एवन टीवी परिवार आप सभी से करता है। फिलहाल के लिए